पुलिस भर्ती की आड़ में सबसे बड़ा घोटाला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर बड़ा खुलासा। 23 चयनित एसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी। आखिर फर्जी डिग्रियों से कैसे मिल गई नौकरी, कहां से बनवाई फर्जी डिग्रियां, इस मिलीभगत में कौन कौन शामिल, पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े का खुला राज, देखिए एसआई भर्ती पर बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है। 23 चयनित एसआई की शैक्षिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। जांच निरंतर आगे बढ़ रही है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर देखने को मिला। ऐसे में एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया है। इनमें से 23 एसआई की डिग्रियां फर्जी निकल गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो डिग्रियां थी वो फर्जी थी और ये इन फर्जी डिग्रियों के जरिए पुलिस सेवा में जा रहे थे। इन दस्तावेजों की अब एसओजी जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम शुक्रवार को भी गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के नमूने लेने में जुटी रही। एफएसएल की टीम गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के नमूने लेती रही, उनसे और भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही जयपुर में जांच के दौरान सभी से खुद के 32 हस्ताक्षर भी करवाए गए, साथ में पैराग्राफ भी लिखवाया गया। पुलिस ने लीक पेपर का सहारा लेकर परीक्षा पास करने वाले जिन ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया है उनमें इस परीक्षा का टॉपर और नागौर पुलिस उपाधीक्षक का बेटा भी शामिल है। वहीं सब इंस्पेक्टर परीक्षा का ये पेपर जिस परीक्षा केंद्र से लीक किया गया था उसे केंद्र अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर जयपुर के एक निजी स्कूल से आउट हुआ था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक केस में अब इन 14 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने रिमांड पर लेने के आदेश भी दे दिए हैं। फिलहाल एसओजी आरोपियों को पूछताछ में ले गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। एडीजी वीके सिंह के मुताबिक जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। गहनता से पूछताछ में सामने आया कि इस गैंग ने परीक्षा से पहले ही एसआई भर्ती का पेपर भी हासिल कर लाखों रुपए वसूल कर अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवाया था। इसमें ज्यादातर चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे। एसओजी ने 40 आरोपियों की लिस्ट भी सार्वजनिक की है। उसके बाद जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी, अजमेर में किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर सहित सांचौर और बाड़मेर में दबिश दी गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर परीक्षा के टॉपर सहित 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर एसओजी मुख्यालय लाया गया था। इनमें किशनगढ़ से एक ट्रेनी महिला एसआई को भी पकड़ा गया था। बाकी 2 चयनित एसआई को बाड़मेर और सांचौर से पकड़ा गया। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच आगे चल रही है, लेकिन लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ ही सरकार को और ज्यादा इसमें एक्शन अब लेना चाहिए ताकि कोई भी गुनहगार बच ना पाए। नमस्कार।